दो बसों में भीषण भिड़ंत, यात्रियों में मची चीख पुकार, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड रुद्रपुर डिपो और मुजफ्फरनगर डिपो बस में आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजनौर के शेरकोट में हाईवे 74 पर घोसियोंवाला के मोड़ के पास उत्तराखंड रुद्रपुर डिपो और मुजफ्फरनगर डिपो की बस में आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को धामपुर CSC में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। एक यात्री को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे के दौरान यात्रियों में चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस ने लोगों की सहायता से बसों की खिड़कियों को काटकर किसी तरह घायलों को बाहर निकाला। बेहोशी के कारण दोनों बसों के चालकों के नामों का पता नहीं चल सका। अपर पुलिस अधीक्षक धर्म सिंह ने बताया कि शनिवार को दोपहर बाद हाईवे 74 पर उस समय हादसा हुआ जब उत्तराखंड रुद्रपुर डिपो की बस नंबर UK08PA1653 धामपुर से काशीपुर की ओर जा रही थी और सामने से मुजफ्फरनगर डिपो की बस नंबर UP78HN1076 अफजलगढ़ की ओर से धामपुर की तरफ जा रही थी। हाईवे 74 पर गांव घोसियों वालों के मोड़ के पास दोनों में भयंकर टक्कर हो गई। दोनों बसों में सवार 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अधिकांश यात्रियों को मामूली चोटें आने के कारण वे खुद की गंतव्य की ओर वाहनों से रवाना हो गए। बताया गया कि पुलिस ने दोनों बसों में सवार घायल लोगों को एम्बुलेंस से धामपुर CSC में भर्ती कराया।